हेलो बेटा। तो आज अपन लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जिनके पीछे के चैप्टर हुए हैं नहीं हुए हैं वो ठीक है, वो करते जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू पहले लेक्चर से देखेंगे और फिर साथ साथ उसको इसको करते जाएंगे, और जो पीछे का छूटा है उसको एक्स्ट्रा टाइम में करते जाएंगे। ठीक है, ये वाले चैप्टर से एटलीस्ट आप एक क्या बोलना चाहिए, रेगुलरिटी ले आइए अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, थोड़ा बड़ा है अभी के चैप्टरों से जो पढ़े हैं उनसे बड़ा है थोड़ा। तो इसमें सबसे पहली चीज आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालने के बाद पहली चीज लिखेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ में, फिर समझाने वाला काम करूंगा मैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में लिखेंगे। अ मेटल रॉड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। इलेक्ट्रोड क्या होता है? अ मेटल रॉड Dipped in aqueous solution of its own ions. Example लिखेंगे बेटा इसका। Example है zinc rod dipped in aqueous ZnSO4। ये इसका पहला example है, zinc rod dipped in aqueous ZnSO4। और दूसरा example लिखेंगे बेटा copper rod dipped in aqueous CuSO4। Note करिए, फिर आगे अपन लोगों को ये समझना है कि जब अपन किसी मेटल रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डुबाते हैं, एक मेटल रॉड को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो उसमें डूबने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या कर सकता है। लेकिन उसको समझने से पहले जो अपने काम की चीज है वो अपन ये देख लें कि एक मेटेलिक जो क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल किस तरीके का होता है। इसको लिखना नहीं है, इसको केवल समझना है। मेटेलिक क्रिस्टल किस तरीके का होता है? तो मेटल में होता ही है, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम भी एक मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड होता है। ये अपने सॉलिड स्टेट में Na+ आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, अब ये जो Na+ आयन है, ये बहुत सारे Na+ आयन आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। Na+ बहुत सारे Na+ आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ गए। एक बार और बना लेते हैं अपन लोग ये। अब आपके मन में आएगा कि सर ये सारे तो पॉजिटिव चार्ज हैं, और अगर सब पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। अच्छा, ये जो बना है ये पूरा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को बोलते हैं अपन लोग मेटल कर्नल। क्या बोलते हैं? मेटल कर्नल। ठीक, अब होता क्या है, मेटल कर्नल बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे, सब पॉजिटिव। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहां जो इंटरस्टीशियल बीच की खाली जगहें हैं वहां पर पाया जाएगा, इंटरस्टीशियल स्पेस में, वॉइड्स में। लास्ट ईयर पढ़ा था सॉलिड स्टेट, वॉइड्स में पाया जाएगा, खाली जगहों पर पाया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सेटअप को बोलते हैं मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से एक जो मेटल रॉड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, मेटल कर्नल्स बनेंगे, यानी अपना आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन्स बनाएगा, वो सारे आयन साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टीशियल स्पेस में जाके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ये तरीका होता है, ये बनाना नहीं है। अब अपन देखेंगे कि किसी मेटल रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा, अब अपन एक मेटल रॉड लेंगे, है ना, यहां से शुरू करते हैं। एक मेटल रॉड लेंगे अपन, ये ले लिया मैंने। सबसे पहले एक वेसल ले लेते हैं, एक वेसल ले लिया। इस वेसल के अंदर मैंने एक मेटल का रॉड डाल दिया। ठीक है, ये मेटल है एम, और ये जो एम मेटल है ये अपना Na+ आयन बना के एन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बना रहा हूं Na+ आयन, ये Na+ आयन, Na+ आयन, Na+N, 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 ये इस टाइप का हो गया। ठीक है, जो खाली जगह है वहां पर कौन पाए जाएंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने, है ना, ये खाली जगहों पे क्या पाए जा रहे हैं अपने? इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, नीचे जो लिया है मैंने वो लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फेट। उस मेटल का सल्फेट लिया है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। मेटल सल्फेट में जैसे मान लीजिए मैं CaSO4 लेता हूँ, कैल्शियम सल्फेट लेता हूँ, तो CaSO4 में मेरे पास क्या होगा? Ca+2 होगा और SO4-2 होगा। वैसे ही मेटल सल्फेट के अंदर मेरे पास क्या क्या होगा? मेरे पास होगा M+N,
एम प्लस एन बहुत सारा, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, ऐसे करके, ठीक है, ये भरा हुआ है यहाँ तक एम प्लस एन। और खाली जगह पे क्या हो सकता है मेरे पास, खाली जगह पे सल्फेट होगा, एस ओ फोर माइनस टू, 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 एस ओ फोर माइनस टू। नेट चार्ज जो है वो अभी सब जगह जीरो है, जितना पॉजिटिव है यहाँ अंदर रॉड में उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव बाहर है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। अब इसको छोड़ने के बाद क्या क्या चीज़ हो सकती, छोड़ने के बाद जो पहली संभावना यहाँ बनती है, देखो बेटा है ना, कैसे समझाऊं, चलो देखो, पहली संभावना जो यहाँ बनती है वो ये बनती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की वजह तरफ, SO4 माइनस टू की तरफ क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, है ना, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से आकर्षित हो जाए, या ये वाला पॉजिटिव अंदर वाले नेगेटिव से आकर्षित हो जाए, और या कुछ ना हो। देखो बेटा, जब कुछ नहीं होता तो इंटरेस्ट भी नहीं आता पढ़ने में, या इंटरेस्ट भी नहीं आता देखने में, कुछ कम मजा आता है जब अंदर वाले को बाहर वाली से अट्रैक्शन हो जाए, है नहीं, या बाहर वाले को घर वाली से अट्रैक्शन हो जाए, समझ में, घर वाले को बाहर वाली से अट्रैक्शन हो जाए, या बाहर वाले को घर वाली से अट्रैक्शन हो जाए, तो कुछ होगा तो मजा आएगा, है ना। आप लोग इस सीरियल और वेब सीरीज देखने वाली जनरेशन है, कुछ होना चाहिए ना तब तब, अब ऐसे ही चल रहा है, इसको इससे अट्रैक्शन है, इसको इससे अट्रैक्शन है, घर वाले को घर वाली से, बाहर वाले को बाहर वाली से, तो मजा आएगा क्या देखने में, नहीं आएगा। तो जब, और उसको पढ़ा जाएगा क्या, नहीं, तो अपने पास वो वाली संभावना हो सकती है कि कुछ ना हो, और जब कुछ नहीं होगा तो क्यों पढ़ाऊंगा यार मैं तुम्हें, इतना मेहनत मैं क्यों करूंगा, उतनी मेहनत तुम क्यों करोगे, और किताब में क्यों छपा होगा। मजा तो तब आएगा जब क्या हो, अंदर वाले को बाहर वाली से, घर वाले को बाहर वाली से, बाहर वाले को घर वाली से क्या हो, अट्रैक्शन कुछ ऐसा हो, कुछ अलग टाइप का हो, तो वो अपन देखेंगे। क्या हो गया, अभी अंदर वाले आयन को, कैटायन को बाहर वाले एनायन से अट्रैक्शन हो गया। अब इस अट्रैक्शन में ये वैसे नहीं है, ये लोग, ये मतलब वैसा नहीं है कि अट्रैक्शन हो गया मनी मन रख दे, नहीं, ये खुला काम है यहाँ पूरा। अट्रैक्शन हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या होगा, वो उसके पीछे बाहर आ जाएगा, उसके पीछे बाहर आ जाएगा। अब जब एम प्लस एन यहां इसके पीछे, ये वाला एम प्लस एन यहां आ गया, ये वाला एम प्लस एन इसके पीछे बाहर आ गया, ये वाला एम प्लस एन इसके पीछे बाहर आ गया, ये वाला एम प्लस एन इसके पीछे बाहर आ गया, तो ये जो पूरा रॉड बना है एम प्लस एन आयनों से बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब अगर उसमें से एम प्लस एन आयन बाहर आ जाएगा तो वो जो रॉड है, रॉड किसी चीज से बना हुआ है, रॉड किसी चीज से बना हुआ है। अब ये चीज अगर बाहर आ जाएगी तो ये रॉड पहले से कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ चीज क्या आ गई, बाहर आ गई। समझ में आ रही बात, तो ये वाला रॉड भी पहले से थोड़ा सा ऐसा मैंने पतला कर दिया, ठीक है, कुछ एम प्लस एन बचे हैं अभी, मिड स्टेज में है अपन, बाकी ज्यादातर एम प्लस एन बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पहले के केस में जितना पॉजिटिव चार्ज था उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज था। अब वाले केस में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर चला गया, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली कम हो गया है और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, रिलेटिवली ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले दोनों बराबर थे, पॉजिटिव चला गया तो नेगेटिव अपने आप बढ़ गया, और नेगेटिव अगर बढ़ गया तो इस पूरे रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो, माइनस, ठीक है, रॉड पे माइनस चार्ज आ गया। ये पानी वैसे वैसे ही भरा देते हैं वापस। अच्छा, एम प्लस एन अंदर से बाहर आ गया, तो बाहर की ओर एम प्लस एन आयनों की संख्या, बोलो, पहले से क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, तो एम प्लस एन आयन पहले से अपने पास क्या हो गए हैं, ज्यादा। सल्फेट आयन का क्या हुआ, सल्फेट आयन का कुछ नहीं हुआ, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, लेकिन रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो सल्फेट आयन्स की संख्या पहले से क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। यहां कौन सा चार्ज ज्यादा नजर आ रहा है आपको, एम प्लस एन, और इस वजह से इस पूरे सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज का अपना एक, तुम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले लोग हो, यहां पॉजिटिव चार्ज का अपना एक पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसका अपना एक पोटेंशियल होगा, और इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेनेवर
a metal rod is dipped in aqueous solution of its own ions, it either acquires a negative charge, or second case dekhenge wahan positive charge acquire karega, it either acquires a negative charge with respect to solution, and the potential difference between the metal rod and the aqueous solution is called electrode potential. Samajh mein aaya electrode potential kya hai? Samajh mein aayi baat bhaiya? Theek, ab dekho is pure process mein ho kya raha hai. Ye metal rod tha जो कि सॉलिड था, था भैया सॉलिड, मेटल था जो सॉलिड था, अच्छे से लिखता हूं, एम जो था वो कैसा था, सॉलिड. इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और बाहर क्या बन के आ गया, एम प्लस एन, और इसने एन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए. लूज किए ये प्रोसेस क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो वो रेडॉक्स इसीलिए बोल रहा था पढ़ लो, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब तो. बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, ये है ऑक्सीडेशन. ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन. और कभी पर भी अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण इस जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए अपन लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब आपको बनाना क्या है, ये वाला डायग्राम बनाना है, वाला डायग्राम पूरा बोर्ड पे जो बना है, पूरा बोर्ड बनाना है आपको. ठीक है, और खत्म नहीं हुआ है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट बताऊंगा. पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे. चलिए बेटा, अब अपन लोग देखेंगे कि एक तो ऑक्सीडेशन देख लिया जिसमें घर वाला बाहर आ रहा था, अब उल्टा देखेंगे, उल्टे में क्या होगा, आइए जरा देखते हैं. तो सबसे पहले एक वेसल बना ले रहा हूं मैं, आप भी बनाते जाइए अगर बना सकते हैं तो. एक वेसल बना लीजिए, एक मेटल का रॉड ले लीजिए, है ना, ये आपके पास होना चाहिए. मेटल के रॉड में कौन सा आयन होगा, एम प्लस एन, 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 एम प्लस एन और एम प्लस एन. बाहर की ओर बची हुई जगह में क्या होंगे बेटा, बची हुई जगह में होंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स आपके बची हुई जगह में, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन. यहाँ मैंने लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन. मेटल सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा मेरे पास, एम प्लस एन होगा, है ना, एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन, और खाली जगह में सल्फेट आयन होगा एसओ फोर माइनस टू, 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 है ना, एसओ फोर माइनस टू. ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हो गया अपना अरेंजमेंट सेटअप है. अब देखिए पहले वाले केस में क्या हुआ था, घर वाले को बाहर वाली से प्यार हुआ था, तो घर वाला बाहर वाली के पीछे बाहर आ गया था. ठीक है ना, इस वाले केस में उल्टा होगा, इस वाले केस में बाहर वाले को ये घरवाली से प्यार हो जाएगा और ये इसकी ओर अंदर जाने की कोशिश करेगा. मेरी लाइफ में जो फिलॉसफी रही है और जो मैंने झेला है अपनी ज़िंदगी में, है ना, उसके हिसाब से मैं हमेशा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट जेंडर को मानता हूँ अपने से. ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, केवल उसके लिए अपनी आप बीती बेटा ज़िंदगी में जो हुआ है वो बता रहा हूँ, है ना. और पॉजिटिव चार्ज में लड़कों को मानता हूँ पॉजिटिविटी के लिए, है ना, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी पर्सनल है, बाहर की जिंदगी, बाहर किसी और के बारे में मैं नहीं जानता, है ना. क्या है, कल को आप मेरे ऊपर केस कर दो सर कैसे, अरे भैया मेरे से, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, बाहर तो सब लोग पॉजिटिव हैं, है ना. तो ये मैं हूँ, ये वो है, है ना, समझ रहे हो, तो ऐसा है. तो अब मान लो, इमेजिन करो कि तुम पॉजिटिव चार्ज हो, तुम हो छोरे, तुम्हें किसी की छोरी से प्यार हो जाए, है ना. अब किसी की छोरी से प्यार हो जाए तो ऐसा करोगे क्या कि सीधा उसके घर के अंदर घुस जाओगे, क्या है बोले और क्या हाल चाल है, ऐसा अंदर चले जाओगे, हो सकता है क्या ऐसा. अरे खूब मार पड़ेगी, खूब, बाप है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, चौकीदार है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, चप्पलों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं. अब ये नहीं पूछना सर आपको कैसे पता, यार उम्र तुमसे ज़्यादा है नहीं. तो क्या होगा, अंदर तो नहीं घुस सकते, किसी के घर के अंदर घुस जाओगे क्या, नहीं. लेकिन तुम्हें अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, और अब तुम्हें मिलना है, मिलना है तो क्या करोगे, मिलने के लिए
तुम क्या करोगे, सामने वाली को कहाँ बुलाओगे, कहीं बाहर, सपोज करो कहाँ बुला लिया, गार्डन में बुला लिया, तो ये बाहर आएगी सरफेस पे, ये सरफेस गार्डन है, सरफेस पे आएगी, अंदर नहीं घुस सकता। और m प्लस एन भी कहाँ जाएगा, सरफेस पर, दोनों सरफेस पे मिलेंगे और सरफेस पे ही रहने लगेंगे, वहीं दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहीं डिपॉजिट होने लगेगा। अंदर क्यों नहीं जा सकता, अंदर इसलिए नहीं जा सकता, ये मेटल रॉड है, मेटल है, कॉम्पैक्ट सॉलिड है, और कॉम्पैक्ट सॉलिड के अंदर एक आयन आप कैसे घुसाओगे, जगह ही नहीं है उतनी, उतनी बड़ी इंटरस्टिशियल साइट ही नहीं है कि घुस जाए। भाई पहले बाहर निकलना था तो घुल तो जाएगा, लेकिन कुछ अंदर घुस सकता है क्या उसमें, नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि वो जो इंटरस्टिशियल साइट है वो उतनी बड़ी है ही नहीं। समझ आई बात, ठीक। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा सरफेस पे, एम प्लस एन आएगा सरफेस पे, और दोनों वही सरफेस पे अपना गुजर बसर करने लगेंगे, अपनी जिंदगी वहीं बिता देंगे और कुछ इस टाइप का। ये तो पुराना है, इसमें एम प्लस एन वहीं का वहीं रहेगा, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको एम प्लस एन को वहीं का वहीं बना दे रहा हूं मैं, ये एम प्लस एन वहीं का वहीं है, ठीक है जी। अब आप देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस पे आएगा, ये एम प्लस एन यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस पे आएगा, ये एम प्लस एन, ये इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस पे, ये एम प्लस एन सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये एम प्लस एन यहां। समझ में आ रही बात। तो अंदर से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रॉनों की जनसंख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलो, पहले से कम हो गई, ठीक है। अच्छा, बाहर की ओर ये सब डिपॉजिट होने लगेंगे, तो बाहर की ओर रॉड, कुछ चीज उस पर डिपॉजिट हो रही है, तो बाहर की ओर का ये जो रॉड है, डिपॉजिट होने की वजह से पहले आकार, पहले से आकार में अब क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। इसके पहले वाले डायग्राम में देखिए, रॉड आकार में पहले से कैसा हो रहा है, पतला, और अभी रॉड कैसा हो रहा है, पहले से मोटा, ठीक है, हो रहा है, मोटा हो गया। चलिए, अच्छा, सॉल्यूशन में से कौन गया है, एम प्लस एन, सारे नहीं गए हैं, है ना, कुछ चले गए, कुछ बचे हैं, एम प्लस एन कुछ छोड़ देता हूं मैं। एसओ फोर कहीं गया क्या, नहीं, एसओ फोर नहीं गया, तो एसओ फोर वहीं का वहीं रहेगा, एसओ फोर माइनस टू, एसओ फोर माइनस टू, एसओ फोर माइनस टू, एसओ फोर माइनस टू, एंड एसओ फोर माइनस टू, बहुत सारे बना देता हूं। अब अगर आप एक चीज नोटिस बोर्ड करोगे यहां पर, तो एम प्लस एन की संख्या अंदर उतनी की उतनी है। पहले देखो, M प्लस एन जितने थे उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, इस रॉड पे नेट चार्ज कितना था, नहीं था, जीरो था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो M प्लस एन की संख्या तो उतनी है जितने थे पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कम हो गई, पहले दोनों बराबर थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब नेगेटिव कम हो गया, नेगेटिव कम हो गया तो बोलो क्या होगा, तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। समझ आ रही बात है ना। अच्छा, इधर आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से एम प्लस एन ऊपर चला गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, पॉजिटिव चार्ज की संख्या पहले से कम हो गई, तो अब क्या बढ़ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। नीचे सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो अब मैंने इन दोनों को रखा, तो द रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाला भैया बताएगा, इसका अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, बोलिए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब आप देखिए यहां हो क्या है, बाहर से एम प्लस एन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, अंदर जाके क्या गेन कर रहा है, वो इनसे क्या ले रहा है, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा है, मेटल जो कि सॉलिड है, जो वहीं डिपॉजिट हो जा रहा है। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन लोग, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ये रिडक्शन वाली प्रोसेस के कारण इस पूरे को बोलते हैं अपन लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में रॉड पतला हो रहा है, एम प्लस एन बाहर जा रहा है, रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, देखिए रॉड में इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले डायग्राम में, इसमें नहीं बोल रहा हूं, ऊपर वाले में देखो कॉपी में, तो एम प्लस एन नीचे जा रहा है, उसमें रॉड पतला हो रहा है, रॉड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और यहां देखो रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब
जब मैं किसी मेटल रॉड को उसके ही एक्वा सॉल्यूशन में डिप करता हूं, डिजॉल्व नहीं बोलेंगे, डिप करता हूं, तो या तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा या उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और इस मेटल रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेनेवर अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, इट आइदर एक्वायर्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखना नहीं है अभी, अभी आपको ये दोनों डायग्राम बनाना है इत्मीनान से, उसके बाद आपको देखना है कॉपी में कि क्या लिखा दिया इस आदमी ने इतना सारा, उसको समझना है डायग्राम को, फिर उसके बाद में आप वीडियो वापस प्ले करेंगे, फिर मैं आपको सारी बातें लिखा दूंगा, चिंता नहीं करना, नोट करिए बेटा। अब लिखेंगे बेटा कॉपी के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे। whenever a metal rod is dipped in aqueous solution of its own ions it either जो बोलना है आपको, मैं तो either बोलता हूँ, it either requires a positive or a negative charge with respect to solution. The potential difference between metal rod and aqueous solution. ये जो aqueous solution है, इसको electrolytic solution भी बोलते हैं। The potential difference between metal rod and aqueous solution is called electrode potential. The potential difference between metal rod and aqueous solution is called electrode potential. ठीक है? अब बहुत बार अपने से बातें होती हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ठीक है? तो अब आप बताइए एनोड क्या होता है, है ना? ठीक, एनोड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं, वो इलेक्ट्रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज हो नहीं, कैथोड। देखो अभी तक के हमको जो पता है, ये पता है कि एनोड या कैथोड के पास, दोनों में से एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा आप लोग डिफाइन करते हैं, जो कि डेफिनेशन सही तो नहीं, मतलब ठीक है एक कुछ सेंस में सही है, मगर वो आपको याद नहीं रखनी है ना। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल। देखो दो प्रकार के सेल होते हैं, वैसे मैं लिखाता हूं शुरू में, मगर अरे छोड़ो कहां तक लिखते रहोगे। दो प्रकार के सेल होते हैं, पहले प्रकार का सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी से, जो ये देखो ये रिमोट में पाया जाता है, ये रिमोट के अंदर ये जो सेल है, इस सेल में केमिकल भरे, ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक पहला सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड है, ये जो ऊपर डंडा दिख रहा है ना आपको, घर पे देखना अपना रिमोट निकाल के, मेरा रिमोट में भी देखोगे, अपने में ही देखोगे क्या, मेरे में अपने में देखना, तो ये जो डंडा है ना ऊपर निकला हुआ, छोटा सा निकला रहता है जो ऊपर मुंडी, तो वो इलेक्ट्रोड है अंदर। कभी आप इस सेल को खोल के देखोगे तो वहां से कार्बन का रॉड निकलेगा, ड्राई सेल है ये, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है अपने को, ड्राई सेल है, इसको खोल के देखोगे, अभी खाली हो लॉकडाउन में खोल ही लेना, अपने को पढ़ना है इसके बारे में, जब इसको खोल के देखोगे इसके अंदर से ग्रेफाइट का रॉड निकलेगा, ठीक है। तो ये हो, अब जो है ये सेल ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। एक ऐसा सेल भी होता है जहां पर अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, सीबीएसई ने तो वो भी डाल रखा है इसके ऊपर एक्टिविटी, वो अपना कॉपर के प्लेट लेके और इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो एक सेल वो होता है जिसमें अपन बिजली देते हैं और केमिकल बनाते हैं, एक सेल होता है जिसमें अपन केमिकल डालते हैं और बिजली बनती, दो प्रकार के सेल होते हैं। दोनों प्रकार के सेल में एक में एनोड पॉजिटिव होता है और एक में एनोड नेगेटिव होता है, तो आप एनोड की परिभाषा पॉजिटिव या नेगेटिव बोल के नहीं दे सकते हो, वो सरासर अन्याय है, बिल्कुल गलत है, ऐसा जनता माफ नहीं करेगी आपको अगर आप ऐसा करोगे तो, वो बिल्कुल गलत है। तो एनोड की क्या परिभाषा आपको आज से याद रखनी है, एनोड की ये परिभाषा याद रखनी है कि इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता हो वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है भैया, आपका एनोड
इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल, कोई सा भी सेल हो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन एनोड बोलते हैं और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको अपन कैथोड बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल। तो कैथोड के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और लिखनी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सबसे पहली चीज पे डिपेंड करता है, जो वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है। आपने क्या बोलते हैं उसको, आयरन का इलेक्ट्रोड बनाया, आपने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया, आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया, आपने मैग्नीज का इलेक्ट्रोड बनाया, जिस किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा, बोले सबका सेम थोड़ी ना होगा, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज हो गई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरी चीज जिस पे दुनिया की हर चीज लगभग डिपेंड करती वो है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और तीसरी चीज है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इन तीन चीजों पर क्या डिपेंड करता है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। इतना नोट करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले बेटा अब आगे देखेंगे अपन कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो लिखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर वन शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। कोई भी शेप का रॉड हो, आपका रॉड सर्कुलर हो या मतलब सिलेंड्रिकल हो या ऐसा क्यूबॉइड जैसा हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, शेप से फर्क नहीं पड़ता। नंबर टू साइज ऑफ इलेक्ट्रोड से फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना बड़ा रॉड डालिए या बिजली का खंभा डाल दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है 1.5 वोल्ट है अगर, तो 1.5 ही वोल्ट रहेगी, 1.5 से 2 नहीं होगी अगर आप रॉड का साइज बदलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर थ्री अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एक कटोरी भर पानी में, एक कटोरी भर सॉल्यूशन में इतना बड़ा रॉड डालिए या घर की पानी की जो टंकी है उसमें आप बिजली खंभा डाल दीजिए, दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन चीजों से अफेक्ट होता है जो अपन लोगों ने देखा। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये आपने पीछे देखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इमेजिन करिए मेरे पास जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड बना लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड बना लिया, एक मैंने सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना लिया, एक मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड बना लिया, एक मैं गोल्ड इलेक्ट्रोड, एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड और ऐसे ना जाने कितने मेटल हैं, सबका मैं रॉड बना सकता हूं, सबका इलेक्ट्रोड बना लिया, ठीक है। अब मैंने ये कॉपर के इलेक्ट्रोड को बनाया मान लीजिए 298 केल्विन पे, इसको मैं अलग अलग टेम्परेचर पे बना सकता हूँ, 299 केल्विन पे बना सकता हूँ, 300 केल्विन पे बना सकता हूँ, 301 केल्विन पे बना सकता हूँ, 297 केल्विन पे बना सकता हूँ, ना जाने कितने टेम्परेचर पे बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं कंसंट्रेशन चेंज कर सकता हूँ, 1 मोलर ले सकता हूँ, तीसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर ले सकता हूँ, 2 मोलर ले सकता हूँ, 3 मोलर ले सकता हूँ, 4 मोलर ले सकता हूँ, 0.5 मोलर ले सकता हूँ, 0.6 मोलर ले सकता हूँ, ना जाने कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता हूँ, ठीक है। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड की वैल्यू सिल्वर के इलेक्ट्रोड से क्या आएगी, अलग आएगी, आएगी क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड की वैल्यू 297 केल्विन पे अलग होगी, 298 पे अलग होगी, 299 पे अलग होगी, 300 पे अलग होगी और 301 पे अलग होगी। मैं तो थक गया भाई साहब, सोच लो हर जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर वैसे ही 298 केल्विन पर 0.5 मोलर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, 1 मोलर के लिए अलग होगी, 2 मोलर के लिए अलग होगी, 3 मोलर के लिए अलग होगी, 4 मोलर के लिए, 5 मोलर के लिए, 6 मोलर के लिए। अरे भाई साहब आदमी पागल हो जाएगा। समझ आ रही है क्या बात आ रही समझ में, कि कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए 298 केल्विन पर 2000 वैल्यूज मैं लिख सकता हूं, कम बोल दी मैंने, उससे भी ज्यादा लिख सकता हूं केवल 298 केल्विन पर। फिर उतनी वैल्यू मैं 297 पे लिख सकता हूँ, 297 पे भी ऐसे खूब सारी कंसंट्रेशन ले सकता हूँ,
299 पे भी खूब सारी कंसंट्रेशन ले सकता हूं, 300 पे भी, तो केवल कॉपर के लिए मैं इनफाइनाइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज निकाल सकता हूं। समझ में आ रही बात? फिर वही मैं सिल्वर के लिए इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, फिर मैं जिंक के लिए इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, ऐसे तो कई सारे इनफाइनाइट और कई सारी कई सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू खड़ी हो जाएंगी आके। तो इतना अपने पास है क्या टाइम? या अगर मैंने बोला कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है, वोल्ट तो समझते हो ना, पोटेंशियल वोल्ट में मेजर करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो, मैंने बोल दिया कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है, तो तुम बोलोगे सर कौन से टेम्परेचर पे? फिर मैं बोल दिया मान लो 298 केल्विन पर, तो तुम बोलोगे सर कौन सी कंसंट्रेशन पे? तो मेरे को ऐसा बार बार लिख के बताना पड़ेगा कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन व्हेन डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन इज 1.5 वोल्ट, ऐसे बताऊंगा अगर मैं, तो इतना टाइम थोड़ी ना मेरे पास। तो समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे वेरिएबल हो गए। तो IUPAC ने बोला इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। IUPAC ने निकाल दिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन, और एक बार ये मार्कर खुल जाए, हाँ खुल गया, और IUPAC ने बोला कि भैया टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन, बाकी सबको भूल जाओ। इस पे निकाल सकते हैं लेकिन अपन किस पे निकालेंगे? 298 पर। और कंसंट्रेशन लेनी है बोले कितनी? 1 मोलर। तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया, इसको नाम दे दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दे दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, मैं इसको मिटा ले रहा हूं, आप हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डालेंगे हेडिंग भैया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये। बस इसमें क्या खास बात है? इसको कहां मेजर किया गया है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो लिखेंगे भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या है स्टैंडर्ड कंडीशंस? तो वो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, छोटी सी हेडिंग डालेंगे बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, याद रखना है। प्रेशर कितना लोगे बोलो? 1 atm प्रेशर, वही लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ, ये नहीं लिखना है ना, पहले लिख चुके, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को लिखोगे 1 मोलर। ठीक है, ये लिख लेना है, ये काम का है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बेटा दो प्रकार का है, दो प्रकार का डिफाइन किया गया। पहला है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है पहला? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो भैया दूसरा क्या होगा? स्टैंडर्ड क्या चीज भाइयों और बहनों? स्टैंडर्ड रिडक्शन और क्या पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा अब आप भी समझते हैं पोटेंशियल का क्या मतलब है। पोटेंशियल का मतलब ये नहीं सोचना, फिजिक्स पढ़ रहे हो आजकल इलेक्ट्रोस्टेटिक्स है ना, तो तुमने ये सोच लिया कि पोटेंशियल का मतलब है कि छुओ तो करंट मारेगा या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कि निकले करंट तेरे क्या यार चू, कौन सा गाना ना हो, तो वो थोड़ी ना कि करंट मारेगा कोई यार छूने से, वो दैट इज नॉट पोटेंशियल, वो फिजिक्स में होगा, मेरे को नहीं पता। पोटेंशियल का मतलब अभी जैसे तुमको किसी ने बोल दिया, कभी ऐसे गलती से मैंने भी कह दिया होगा कभी तुम्हें कि तुम्हारे अंदर तेरे अंदर बेटा बहुत पोटेंशियल है, तो इसका मतलब थोड़ी ना तुम बिजलियां गिराते घूम रहे हो यहां से, तुम भी वही साधारण आदमी हो। पोटेंशियल का मतलब है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कुछ कर सकते हो, है ना। कभी देख लिया कि बहुत ज्यादा ही बोलना चाहिए ना उसको, मिस्चीवियस बच्चा है, बहुत ज्यादा शैतान बच्चा है, तो अपन बोलते हैं ना इसमें आगे जाके जो है गुंडे बनने के पोटेंशियल है, गुंडा बन जाएगा आगे जाके। कोई पढ़ने वाला है तो आगे जाके डॉक्टर बनने का पोटेंशियल, तो उसकी क्षमता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी, रिड्यूस होने की क्षमता। अब आप दोनों आप जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं, उल्टा और सीधा।
अगर चिट आएगा तो पट नहीं आएगा, पट आएगा तो चिट नहीं आएगा वाला हिसाब है। अगर किसी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल अच्छा है तो उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा। किसी का रिड्यूस होने का पोटेंशियल अच्छा है तो उसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? अपोजिट। अच्छा तो आप लिख लेना भैया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एसओपी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एसआरपी से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, तो अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो प्रकार का है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऐसा कह देता है कि द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज एक्स वोल्ट, तो अपने आप क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज माइनस एक्स वोल्ट, माइनस हो जाएगा। समझ आई बात यहां तक? कि बहुत आसान। पेपर में अगर लिख दिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन लिख दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इतना आसान होता है नहीं, है ना? इतना आसान नहीं होगा। पेपर में क्या करता है? पेपर में तुम्हें घुमाने के लिए केवल लिख देता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिख देगा? केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बोलेगा आप तुम जानो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है तुम्हारे ऊपर। अब प्रॉब्लम यह है, तुमने ऑक्सीडेशन ले लिया और उसने रिडक्शन लिया होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तुमने रिडक्शन ले लिया उसने भी रिडक्शन लिया होगा तब तो सही आ जाएगा, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्वेश्चन के सही होने के न्यूमेरिकल वाले, कि भाई हमें नहीं पता उसने किसको माना। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास आती है आईयूपीएसी सीता माता बन के, कि बोले बेटा मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आईयूपीएसी ने बोल दिया कि अगर ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन बोले तो रिडक्शन है, लेकिन जब कुछ ना कहा जाए, जब कुछ ना कहा जाए, जब लिख दिया जाए कि केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो आईयूपीएसी ने समझाया क्या मानना है? रिडक्शन मानना है। क्या मानना है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं मानना है। लगता है कई बार कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं मानना है। जब कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है अपने को? रिडक्शन। ठीक है, तो एक नोट करके लिखेंगे भैया, लाल रंग के पेन से लिख लेंगे, मेरा लाल वाले मार्कर का ढक्कन नहीं खुल रहा, अरे खुल गया, चलो नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे नोट करके? स्टैंडर्ड, नहीं पहले तो नाम लिख लो आईयूपीएसी का, अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, इसमें क्या वजन पड़ जाता है बात में, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपीएसी के अनुसार। जब कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानना है। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन कहे तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहे तो रिडक्शन, लेकिन अगर केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिख दे तो ऑक्सीडेशन ना मानते हुए क्या मानना है? रिडक्शन। समझ आ गई बात यहां तक के? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे सेल पढ़ते हैं अपन। तो आइए बेटा आगे हेडिंग डालेंगे कॉपी में सेल। ठीक है, ये सेल जब भी पढ़ाने जाता हूं मेरे को एक पुराना जोक याद आता है कि बोले सेल एक ऐसा टॉपिक है, बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, और वो अकाउंट्स में भी आता है सेल, वो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें सेल होता है कुछ, और मोबाइल में भी है, टॉर्च में भी है, और तो और वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, हर जगह है सेल और हर जगह उसका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो फिलहाल अपन जो सेल, खैर बेकार जो था, फिलहाल अपन जो सेल पढ़ने वाले हैं वो वाला नहीं है जो आप बायो में पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का सेल है। बायो में पढ़ते हो आप, इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यहां पर लिखेंगे अ कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड अ सेल, है ना? वो सब लिख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो सेल है, ये सेल मैंने पहले बताया दो प्रकार का होता है, तो इसके टू टाइप्स लिखेंगे।
टू टाइप का सेल होता है। सबसे पहला सेल होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये गैल्वेनिक सेल पाया जाता है रिमोट के अंदर। तो रिमोट के अंदर जो सेल पाया जाता है वो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। क्या करता है गैल्वेनिक सेल बोलो, ये क्या केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कन्वर्ट करेगा आपकी केमिकल एनर्जी को, ऐसे लिख लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरे को लगता है आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं इतने में समझ जाएंगे, और पेपर में वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन कभी अगर एक आध नंबर के लिए पूछ दे तो लिख लेना, अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल। दूसरा सेल होता है बेटा वोल्टेइक सेल। दूसरा सेल कौन सा है, वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करेगा बेटा, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, वोल्टेइक सेल को याद रख लेना, ठीक है। तो ये दो प्रकार के सेल हो गए आपके। अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे कॉपी में गैल्वेनिक सेल, पहले मैं यहां लिखा दे रहा हूं सब गैल्वेनिक सेल, और इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल। किसने बनाया था, ऑब्वियस सी बात है डेनियल अंकल ने बनाया था, ठीक है डेनियल सेल। इस सेल के अंदर एक एनोड होता है, वो एनोड क्या होता है याद रखना है, जिंक रॉड डिप्ड इन एक्वस ZnSO4, जिंक रॉड डिप्ड इन एक्वस ZnSO4। दूसरा लिखेंगे बेटा इसमें कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है इसमें कॉपर रॉड डिप्ड इन एक्वस CuSO4, कॉपर रॉड डिप्ड इन एक्वस CuSO4। एक बार मैं ऐसे पढ़ाया, पढ़ा के बाहर निकला, एक बच्चा आके पूछता है सर 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 डेनियल सेल में जिंक का ही एनोड क्यों बनाते हैं, कॉपर का ही कैथोड क्यों बनाते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं उसकी बात कराऊं डेनियल अंकल से, एक घुमा के तू निकले ऊपर है ना। और डेनियल अंकल तो अब है नहीं, ऊपर ही होंगे, वो बताए उसे कि भैया जिंक क्यों लिया, कॉपर क्यों लिया। तुम में से किसी को जानना हो तो आना मेरे पास, तो मैं तुम्हें भेजूं डेनियल अंकल के पास, है ना। तो वहां उनसे बात करके समझ लेना कि अरे भाई डेनियल अंकल का सेल है, डेनियल अंकल से पूछो जिंक क्यों लिया, कॉपर क्यों लिया। यहाँ याद रखना पड़ेगा डेनियल अंकल के सेल में एनोड जिंक का होता है, ZnSO4 में डूबा होता है, कैथोड कॉपर का होता है, CuSO4 में डूबा होता है, ठीक है। इतना नोट करेंगे, सेल का डायग्राम देखेंगे, बहुत काम का है। चले बेटा अब अपन लोग देखेंगे सेल, डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल है ना। डेनियल सेल के अंदर एनोड काय का होता है, जिंक का। तो जिंक क्या होगा, एक जिंक का रॉड होगा ये एनोड, और काय में डूबा होगा देखो आपने लिख रखा है एक्वस, काय में जी ZnSO4 में, है ना। जिंक का रॉड Zn+2 दिख रहा है ना। चलो अगला, बाजू में क्या होगा मेरे पास में, कॉपर का रॉड होगा, ये कॉपर का रॉड हो गया Cu+2। नीचे क्या होगा एक्वस CuSO4। ये मैं नहीं बोल रहा, वो आपके ऊपर कॉपी में लिखा हुआ है कि एनोड काय का है, एनोड जिंक का है, और कैथोड काय का है, कॉपर का है। पहले एनोड बनाने का रिवाज है, पहले एनोड बनाया जाता है और कैथोड को बाद में बनाया जाता है, तो ये बना दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा यहाँ नीचे क्या भरा है, यहाँ ZnSO4 भरा है, तो यहाँ पर होगा Zn+2। इधर CuSO4 भरा है तो यहाँ होगा Cu+2। इस टाइप का, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, इस रॉड में Zn+2 के अलावा और खाली जगह पे क्या भरे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए, है नहीं। और यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है, Zn+2 डाल दिया, बाकी जगह में क्या होगा SO4-2 होगा, इसमें SO4 ये यहाँ तक भरा है, ये SO4-2 बना दिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे इस रॉड में यहाँ खाली जगह में क्या भरा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ क्या भरा होगा बाकी जगह में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो बाकी की चीज़ क्या होगी, सल्फेट आयन SO4-2, ठीक है। ये अभी ऐसा होगा, ठीक। ये दोनों चीज़ों को मैंने क्या किया, एक बिजली के तार से जोड़ दिया,
और बिजली के तार में बीच में आप कोई सा भी मीटर एमीटर लगा दो या कुछ भी लगा दो, जो है गैल्वेनोमीटर कुछ भी करंट शो करे जो, ये लगा दिया ठीक। अब भैया देखो जरा कॉपी में जाओ, पहले फर्स्ट पेज में जाओ, फर्स्ट पेज में एक डायग्राम बनवाया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, देखो उसको। देखा अब उसमें देखो ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर वाला रॉड कैसा हो रहा है, समय के साथ धीरे धीरे पतला हो रहा है, देखो जल्दी देखो, अरे जल्दी करो हाँ। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन वाला रॉड है CuSO4 वाला, पहला वाला जो रॉड है वो क्या हो रहा है, समय के साथ पतला हो रहा है, वहां क्या हो रहा है इसको देखना, उसमें से M+N आयन रॉड के अंदर में से बाहर आ रहा है, तो यहां पर भी वैसे ही होगा। ये वाला जो Zn+2 आयन है ये SO4- के लिए आकर्षित होके क्या होगा, इस रॉड से बाहर आ जाएगा, कौन, Zn+2 आयन ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, हाँ देखो बेटा अब क्या हुआ, ये वो Zn+2 नीचे चला गया, यहां से Zn+2 नीचे चला गया, तो Zn+2 वाला रॉड जो है उसमें से Zn नीचे चला गया, तो रॉड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला होगा। तो देखना उस रॉड को, दिख रहा है इधर से हो जाता हूं, इधर से दिखेगा, तो ये वाला रॉड धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा, पतला होने लगे। यहां अंदर Zn+2 की कंसंट्रेशन पहले से क्या हो जाएगी, कम, पहले जितने थे उससे कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी उतनी। ये पूरे रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, आ रहा है समझ। अब सॉल्यूशन में देखो Zn+2 नीचे चला गया यहां से, तो सॉल्यूशन में Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, पहले जैसा लग रहा है, तो Zn+2 पहले से क्या हो गया बेटा, पहले से Zn+2 क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, और SO4-2 की संख्या उतनी ही है। सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ठीक है। अब ये जो है ये इस वायर से जुड़ा है, बीच में मैंने वो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वायर से जुड़ा है ना, अब ये वायर से जुड़ा है और ये वायर इधर, ये वायर इधर आगे की ओर आ रहा है ठीक है। अब देखना इधर, अभी उधर का तो बताऊंगा मैं, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, अब ज्यादा हो गई है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ मूव करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन उधर वाले रॉड में जा रहा है, समझ में आ रहा है, इधर मतलब किधर आ गया, इस पे आ गया, घूम के यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो Zn+2 घुल गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही नेगेटिव चार्ज की, तो नीचे से जो पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव Cu+2 ये कहां मूव करने लगेगा बेटा, ये ऊपर की ओर मूव करने लगेगा Cu+2 ऊपर की ओर मूव, समझ में आ रही बात ठीक है। चलो अब इधर देखना, थोड़ा सा और सेट करेंगे अपन लोग, हाँ ऑसम। तो अब जो है ये ऐसा हो गया ठीक है, ये वैसल वैसे का वैसे ही बना दे रहा हूं, नीचे से ये वाला दिख रहा है सबको, मैंने देखा उधर जाके, तो यहां से जो Cu+2 है ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे सॉल्यूशन में Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, Cu+2 यहां पर कम हो गया पहले से, ये Cu+2 थोड़े से ही बचे हैं अपने पास ठीक है जी। अच्छा अब याद करो वो सरफेस पे जाता है, इलेक्ट्रॉन गार्डन में आता है, याद आ रहा है क्या, और फिर वो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये वाला रॉड कैसा होने लगता है, मोटा होने लगता है, तो यहां पर कॉपर का डिपॉजिशन हो रहा है, और कॉपर के डिपॉजिशन होने के कारण ये वाला रॉड धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा, क्या होने लगेगा बोलो, क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, तो ये रॉड धीरे धीरे मोटा हो रहा है। अब इसके मोटा होने पर क्या ये अंदर का कॉपर बाहर जा रहा है क्या, नहीं, तो अंदर का कॉपर वैसे ही का वैसे ही है, Cu+2 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 और Cu+2। अंदर से कौन गए हैं सरफेस की ओर, इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस की ओर चले गए तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कम हो जाएगी, अब अपने पास कम इलेक्ट्रॉन बचे, अब कम इलेक्ट्रॉन बचे, Cu+2 ज्यादा है, तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो, इस रॉड पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, समझ में आ रही बात। अच्छा नीचे से क्या हुआ, Cu+2 ऊपर चला गया,
और जब कॉपर प्लस टू ऊपर चला जाएगा तो सॉल्यूशन में कॉपर प्लस टू कम हो जाएगा, जबकि SO4 माइनस टू उतना ही रहेगा, तो SO4 माइनस टू की संख्या उतनी है। समझ में आई बात? ये SO4 माइनस टू उतना ही है। रिलेटिवली बोलोगे तो SO4 माइनस टू क्या है, कॉपर प्लस टू से ज्यादा है, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया यहां तक के क्या हुआ? लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब मेरे को वो डायग्राम नहीं देखना है, अपन इधर वाला देखेंगे, मैं यहां फोकस कर लेता हूं आप लोगों को। अब इसके अंदर अपने पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पे खुद पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज ये वाले पॉजिटिव सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच क्या होने लगेगा बोलो, अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर, है ना, तो ये इनमें क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लगेगा तो ये बोलेगा तुसी ना जाओ, तुसी छोड़ के ना जाओ, है ना, तो उन जाने नहीं देगा। अब ये वाले पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। जहां से जाना है वो जाने नहीं दे रहा है, जहां आना है वो आने नहीं दे रहा है। थोड़े देर बाद इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं भगा साले को, मैं आता जाता ही। और अगर इलेक्ट्रॉन ने जाना आना छोड़ दिया, आप इमेजिन करना, अगर इलेक्ट्रॉन ने जाना आना छोड़ दिया तो होगा क्या, करंट का फ्लो होना रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने जाना आना छोड़ दिया तो करंट का फ्लो होना रुक जाएगा, ये सेल किसी काम का नहीं रहेगा, इस सेल को उठा के नाली में फेंकना पड़ेगा। तो उससे बचने का तरीका ये है कि अपन लोग इसको किसी भी तरीके से न्यूट्रल बना के रखें। क्या करके रखें, किसी भी तरीके से न्यूट्रल बना के रखें, उसमें चार्ज डेवलप ना होने दें। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं वो देखेंगे अपन, आ जाइए। तो इसके लिए अपन लोग उपयोग करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, यूट्यूब का। ठीक है, वो यूट्यूब नहीं जिसपे अपन कभी कभी वीडियो देखते हैं, है ना, आजकल ज्यादा देख रहे हैं सभी टीचर वहीं यूट्यूब पे ही पाए जा रहे हैं, है ना, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहां। ये वाली यूट्यूब, यूट्यूब है यू आकार की एक ट्यूब का, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नीचे बन गई है, इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, मेरे पास जगह की थोड़ी हमेशा की तरह कमी है। बहुत साल से सोच रहा था मैं बड़ा वाला बोर्ड लूंगा करके, एक भयंकर बड़ा, है ना, मगर मैं ले ही नहीं पाया। चलाता रहा काम और आज ऐसी स्थिति आ गई कि अब मैं चाहूं तो भी नहीं ले सकता, मिल ही नहीं रहा, सब दुकान बंद है, है ना। तो ये यू आकार की ट्यूब हो गई। अब एक लेनी है आपको कढ़ाई, एक क्रॉस सेक्शनल है कढ़ाई का, और इसको रखना है आपको गैस के ऊपर, लकड़ी वकड़ी के ऊपर कुछ भी करके आपको इसमें से बढ़िया आग जला के ये रखनी, गर्मा गर्म कढ़ाई होनी चाहिए। इस कढ़ाई में आप डालेंगे, एक पदार्थ आता है जिसको कहते हैं अगार अगार। क्या कहते हैं? अगार अगार, अगार अगार, अगार अगार, ये एक प्रकार का जेल होता है, जेली जैसा होता है, जो गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा करने पर वापस सॉलिडिफाई हो जाता है। गर्म करने पर पिघल जाता है, लिक्विड हो जाएगा, ठंडा करने पर वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा। कई जगह मैंने देखा, कई बार मम्मियाँ जो हैं वो जेली बनाती हैं घर में बच्चों के खाने के लिए, जेली। तो वो जो जेली होती है उसमें ये अगार अगार डलता है, मिलता है दुकानों में, अभी मत जाना ढूंढने, अभी उम्मीद नहीं, बाकी ऐसा दिन मिलता है। अगार अगार लिया, गर्मा गर्म कढ़ाई में अगार अगार का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको घोल दिया अगार को, इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl, KNO3, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, है ना, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। इसको थोड़ा देर अच्छे से गर्म किया, मस्त एक उबाल आए तक अच्छा गर्म किया, फिर आप कपड़ा लेके इसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के आप इस ट्यूब में भर देंगे। इस ट्यूब में भर दिया, ठीक है, ये इस ट्यूब में भरा गया। इस ट्यूब में भरने के बाद आप क्या करेंगे, इस ट्यूब के मुंह पर एक पोरस प्लग लगा देंगे, एक ऐसे रुई हुई ठूस देंगे कुछ भी, ताकि जिससे ये गिरे नहीं बाहर, और इसको ठंडा होने छोड़ देंगे। थोड़े समय के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये सॉलिडिफाई हो गया, इसको उठाएंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, उल्टा करके दोनों के बीच घुसा देंगे, ऐसा दोनों के बीच। समझ में आ रही बात?
दोनों के बीच घुसा देना है, मैं घुसा देता हूँ दोनों के बीच। देखो भैया ये है, ये देखिए भाई साहब कितना सुंदर है। ये बन गया, ठीक है, ये डाल दिया। अब ये अंदर अगार अगार है, ऊपर यहां ढक्कन लगा हुआ है इस पे ऐसे करके, है ना, ये ढक्कन लगा हुआ है और यहां बीच में अगार अगार है, अगार अगार के बीच में भरा है K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है देखना, इस सॉल्यूशन पे चार्ज है कौन सा बेटा, पॉजिटिव। इस सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है देखना, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पास से इस जगह से किसको बुलाएगा अपनी ओर, किसको आकर्षित करेगा, Cl- को। ये Cl- यहां फ्लो कर जाएगा, ये Cl- के यहां फ्लो करने से इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिविटी आई है वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। दूसरा, ये वाले सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आया है तो ये वाला K+ यहां की ओर फ्लो करेगा और क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे, इलेक्ट्रॉन का आना जाना सकुशल मंगल बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा। समझ में आई बात, तो ये इसका एक फंक्शन है लेकिन ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे मेरे को लगता है फिजिक्स में, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज फ्लो इन आ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट का फ्लो, धारा का प्रवाह हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ पर होता है, क्लोज्ड सर्किट पर। ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है क्या, नहीं करता। अब अगर मैं इस KCl वाले इस अरेंजमेंट को हटा दूं, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, वहां लगा है क्या, वहां उस तरफ वाले में लगा है क्या, नहीं लगा है। इस तरफ वाले में कोई सॉल्ट, मतलब इस तरफ वाले में वो कोई अरेंजमेंट है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जाएगा लेकिन ऐसे उड़ उड़ के आएगा क्या, यहां से तो कोई आने जाने का अरेंजमेंट ही नहीं है दोनों के बीच में, तो उड़ उड़ के आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। और अगर वो उड़ उड़ के नहीं आ पाएगा तो यहां सर्किट क्लोज है क्या, नहीं। और जब आपका सर्किट है क्लोज नहीं है तो करंट का फ्लो होगा क्या, नहीं, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। अगर आप करंट का फ्लो कराना चाहते हैं तो आपको सर्किट को बंद करना पड़ेगा, और सर्किट को बंद करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला मेरा अरेंजमेंट कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक है, वापस आ जाइए। अब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहा गया है क्या, इसको कहते हैं अपन लोग सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, दोनों के बीच एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है। तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, इसके बिना करंट का फ्लो नहीं होगा, पहला काम ये करता है। दूसरा काम ये करता है कि ये सेल के इन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो करंट का फ्लो थोड़े समय के बाद रुक जाएगा, ठीक है। अब आप देखो एक चीज, इसमें दो सर्किट है, एक सर्किट है बाहर की ओर, एक सर्किट है अंदर की ओर। बाहर की ओर की मैं बात करूं तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज, और आप फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के डैश होता है करंट का फ्लो, किधर होता है बोलो, अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, उल्टी दिशा में, इस तरफ फ्लो करेगा। इसको काले रंग से बना देते हैं, इसको नीले रंग से रहने देते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर। पेपर में पूछता है आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होता है, कहां से कहां होता है, तो ये एनोड था, याद करो, जिंक वाला, कॉपर वाला क्या था, कैथोड था। पहले एनोड बनाते हैं बाद में कैथोड बनाते हैं, तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड, इसीलिए करंट का फ्लो होता है कैथोड से एनोड, उल्टी दिशा में। इसको ध्यान रखना है, ठीक है जी, हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनल सर्किट, अंदर वाला सर्किट, अपने को यह ध्यान रखना है कि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अलोंग, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलोंग और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के साथ और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट चलता है। अब आप देखिए जरा यहां क्या हो रहा है, ये वाले सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से यहां कौन फ्लो कर रहा है बोलो, Cl- फ्लो कर रहा है, और अगर Cl- ऐसे फ्लो कर रहा है तो Cl- से होने वाला करंट किधर जाएगा, इस तरफ। Cl- का करंट किधर जाएगा बेटा, इस तरफ। और K+ ऐसे फ्लो कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने K+ आ रहा है, और अगर K+ ऐसे जा रहा है, K+ पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी किधर जाएगा, इसी तरफ जाएगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, ऐसे ऐसे यह करंट का डायरेक्शन, थोड़ा सा हौच पौच है, समझ समझ के बनाना। तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड, और करंट का फ्लो होता है कैथोड से एनोड, वाइल इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, यहां करंट का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो कैसे होता है, एनोड से कैथोड। तो आप देख सकते हो करंट ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे अंदर होते हुए, तो पूरा सर्किट क्या हो गया भैया आपका, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात आपको क्या है, अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है, अभी मैं सब चीजें लिखाऊंगा आपको, मैं उस वाले डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं। पहली बार आप वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं इस डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं, आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये दोनों चीजें मैं इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में विस्तार से लिखाऊंगा, वितांत वर्णन दूंगा, तो आपको तब इसको करना है, ठीक है। तो फिलहाल वो और ये दो डायग्राम बनाने हैं आपको, मैं फोकस कर देता हूं ले जाके आपको उसके ऊपर। ये है पहला वाला, डेनियल सेल लिखा है ऊपर में, जिनको दिख नहीं रहा हो यहां वीडियो पॉज कर लेंगे और इसको कर लेंगे, और हाँ यहां ले आता हूं मैं आपको और पास इसके थोड़ा सा, ये है ना। अब यहां वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, डायग्राम दोनों बनाने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके बाद मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन और सारी चीजें लिखाऊंगा। चलिए बेटा नोट करिए। चलिए बेटा अब अपन लिखेंगे इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस, तो हेडिंग डालेंगे ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशंस, तीन ऑब्जर्वेशन लिखनी है अपने को, तीन चार ऑब्जर्वेशन आ जाइए। तो लिखेंगे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में, देखिए जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ये जो एनोड वाला रॉड है ये कैसा हो रहा है, घुल रहा है धीरे धीरे, कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है, और कैथोड वाला रॉड है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। तो लिखेंगे बेटा एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स रॉड एट एनोड becomes thin, whereas rod at cathode becomes क्या thick, anode का rod thin हो जाता है और cathode का rod क्या हो जाएगा, thick हो जाएगा। Number टू observation लिखेंगे भैया, देखिए धीरे धीरे Mn plus Zn plus टू नीचे घुल घुल के आ रहा था, याद है कि तभी तो ये पतला हो रहा था, तो Zn plus टू नीचे आएगा तो नीचे सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी, तो ये वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट और आ रहा है धीरे धीरे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है ना। अच्छा यहां से क्या हो रहा है, कैथोड के अंदर से, कैथोड के अंदर में कॉपर ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, नीचे से कॉपर कहां जा रहा है, ऊपर, और जब कॉपर ऊपर जाएगा तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो यहां लिखेंगे बेटा वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तीसरा आ जाइए बाहर वाले सर्किट में, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा था, उस तरफ, तो बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड से कैथोड, ठीक है। तो लिखेंगे भैया इन आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड वेयर एज करंट कहां चलेगा, इसका उल्टा चलेगा, तो करंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड से, ठीक है। ये हो गया तीसरा, और एक आखिरी चौथा लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं,
हाँ, तो मैं यहां लिख रहा हूं चौथा वाला, चौथा वाला लिखेंगे इन इनर सर्किट, इन इनर सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां फ्लो कर रहा है बोलो इनर सर्किट में, ये ऐसे जा रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम क्या एनोड टू क्या कैथोड, एनोड टू कैथोड, समझ में आई बात भैया? ठीक है, इतना नोट करेंगे। ये नीचे का देखा मैंने बाद में छूट गया था, उसको देख लेना ही। आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड वेयर एज करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसको पूरा कर लो, लिख लो, मैं मिटाता हूं और फिर मैं आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखा दूंगा। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे बेटा कॉपी के अंदर सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, BRIDGE ब्रिज का बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज। ये बीच में जो डाला था सॉल्ट ब्रिज, ऐसे उल्टा करके डालते हैं इस यूट्यूब को, तो लिखेंगे भैया एन इन्वर्टेड, अरे मैं वायो यू ही लिख रहा हूं, इन्वर्टेड यूट्यूब, एन इन्वर्टेड यूट्यूब फिल्ड विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, KNO3, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा इन अगार अगार, काय में बनाना है जी अगार अगार, एंड अलाउड टू कूल, कूल कर दिया जाए उसको। ठीक है, इट्स बोथ एंड्स आर फिटेड विथ, कैसे फिट करते हैं इसमें पोरस प्लग्स, बोथ एंड्स आर फिटेड विथ पोरस प्लग्स। ठीक है जी, तो आप ये लिखेंगे साइड में छोटा सा ये कुछ बना लो तो तुमको ध्यान रहेगा, है ना। इसके बाद इसका फंक्शन लिखाता हूं मैं, यहां पॉज करके इसको बना लेना। ठीक है, मैं सीधा फंक्शन लिख रहा हूं यहां, तो हेडिंग डालेंगे बेटा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के पेपर में आता ही आता है, है ना, बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे भैया फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के यहां होने वाले कौन कौन से कार्यक्रम है, त्योहार है, नहीं मतलब उसके क्या क्या उपयोग है, तो बताओ। सबसे पहला फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का, फोर मोस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का क्या होता है, क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, इंटरनल सर्किट को क्या करता है कंप्लीट करता है। तो सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे भैया इट इज टू कंप्लीट, टू कंप्लीट क्या इंटरनल, या टू कंप्लीट सेल सर्किट लिख दो, टू कंप्लीट सेल सर्किट, इसके बिना करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा क्या काम करता है, किसी सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव आयंस फ्लो हो जाते हैं, किसी पे नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव आयंस फ्लो हो जाते हैं, और ये आयंस फ्लो होके क्या करते हैं इस इन सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। तो अगला लिखेंगे टू मेंटेन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल सॉल्यूशंस, हाफ सेल बोलते हैं उसको, एक एक कंटेनर को, दोनों कंटेनर को मिला के पूरा सेल होता है, हाफ सेल सॉल्यूशन। तीसरा लिखेंगे टू प्रिवेंट, ये आपको पढ़ाया नहीं लेकिन लिखो टू प्रिवेंट लिक्विड, लिक्विड टू प्रिवेंट लिक्विड, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करते हैं। अब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब कभी भी आप दो डिफरेंट, एक कंसंट्रेशन ए है एक की कंसंट्रेशन बी है, दो ऐसे सॉल्यूशंस को जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है आप एक दूसरे के पास रख देंगे तो उनके जंक्शन पे डिफ्यूजन होने लगेगा, इधर उधर जाना आना होने लगेगा और इस जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ओरिजिनल पोटेंशियल के अगेंस्ट में होगा उसको कम कर देगा। तो अपन क्या करते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करते हैं। क्या होता है लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो होता है कब बनता है, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को आसपास रख दिया जाता है। अब इसका यहां क्या महत्व है,
अगर इन दोनों के बीच इस सॉल्ट ब्रिज को ना लगाऊं, इसको ना लगाऊं, ये दो सेल बनाने की कोशिश की थी मैंने, ना भैया ये सेल है, इमेजिन करना ये बीच में सॉल्ट ब्रिज, थोड़ा गंदा डायग्राम है। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को ना लगाऊं, तो जब मैं सॉल्ट ब्रिज को नहीं लगाऊंगा तो इनको जोड़ूंगा कैसे, इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के तो जाएगा नहीं, तो मैं जिस तरीके से भी इनको जोड़ूंगा, तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, इसकी कंसेंट्रेशन कम थी, यहां बीच में जंक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो लिखेंगे भैया इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज डेवलप्ड व्हेन लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, तो ये केवल कॉम्पिटिशन के लिए है, ये पहले दो पॉइंट आप बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे, यहां लिख लेना ओनली फॉर आपका जो भी एग्जाम है जेई या नीट, वो लिख लेना ओनली फॉर जेई और नीट, बोर्ड में आएगा तो आपको ये वाले दो ये बोर्ड में लिखने हैं अपने, ध्यान रखना भैया ये तीसरा बोर्ड के लिए नहीं, पेपर में ज्यादा से ज्यादा नाम पूछेगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, तो लिख देना। समझ में आई यहां तक के बाद? ठीक है, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। एक छोटी सी बात और करनी है कि यहां पर यही क्यों लेते हैं अपन, यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके लिखना, इन सॉल्ट ब्रिज, इन सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड शुड हैव सिमिलर आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। एनायन और कैटायन की आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, आप देखो जरा पीछे सेल का डायग्राम देखो, उस सेल के डायग्राम में बीच में सॉल्ट, देखो देखो जल्दी देखो, सॉल्ट ब्रिज लगाया है, सॉल्ट ब्रिज में से आपका Cl- इधर जा रहा है और K+ इस तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना? अब Cl- इधर गया तो करंट ऐसे आया और K+ इधर गया तो करंट उसी के साथ आगे चला गया, दिख रहा होगा है ना? तो इन आयंस के मूवमेंट से करंट का मूवमेंट होता है, आयंस अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है। अगर इनकी मोबिलिटी अलग अलग होगी तो जो करंट का फ्लो है ये सिंक्रोनस नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, करंट के फ्लो में व्यवधान आएगा। इसीलिए अपन चाहते हैं कि दोनों आयंस कैसे मूव करें, समान स्पीड से मूव करें और करंट आसानी से मूव कर पाए। समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक के हो गया, अभी तो इसमें बहुत कुछ बचा है, अभी कोई डीपीपी नहीं है, कुछ नहीं, थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़िए, अच्छा टाइम है, सॉल्यूशन को रिवाइज करिए, सॉल्यूशन को रिवाइज करने का टाइम है। ठीक है, आपको कोई भी तकलीफ आती है मुझे बताइए, है ना, फोन करके बताइए, मैसेज करके बताइए, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, नया चैप्टर शुरू हो गया है, अपने दोस्तों को बताइए कि मोहित सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, और किसी को पढ़ना हो, किसी को ज्वाइन करना हो, एडमिशन लेना हो, तो हमारे पास आए एडमिशन लेने के लिए। आपके पुराने दोस्त हैं जो हमारे पास पढ़ते थे, अगर आपकी उनसे बात होती तो उन्हें भी बताइए कि पढ़ लें क्लास में, है ना, जिसको फी की प्रॉब्लम आ रही, कुछ बच्चों को फी की प्रॉब्लम आ रही थी, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो दे देना, पढ़ाई की वो मत करो, पढ़ाई को लेट मत करो, है ना, जिसके पास है वो तो दे ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, है ना। और 11वीं की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, कोई 11वीं का बच्चा हो आपके आसपास, छोटे बच्चा 11वीं का, वो पूछा है भैया भैया दीदी दीदी मैं कहाँ जाऊँ, तो आपको पता है किसका दरवाजा क्या खटखटाना है, मेरे यहाँ भेजना है। इसके अलावा एक रैपिड रिवीजन कोर्स चालू किया हम लोगों ने, जो कि है नीट के लिए और जेई के लिए जो होने वाला है, उसमें 11th के टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को रिवाइज करना हो तो आप मुझे बता देना, आपको जो रैपिड रिवीजन कोर्स में अगर भाग लेना हो तो हम आपको उसमें भी बैच में ऐड कर देंगे, जब वो बनेगा आपके ऊपर है। उसमें 11th के टॉपिक का हम लोग फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 12th के टॉपिक आप छोड़ देना, रिवीजन नहीं करना। आपके कोई आसपास हो जो नीट या जेई की तैयारी कर रहा हो और रिवीजन की कोई क्लास ढूंढ रहा हो तो भी आपको हमारा ही नाम लेना है, कृपा करें हमारे ऊपर, बहुत जरूरत है आपके आशीर्वाद की। धन्यवाद, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए।